आपने संसद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाया, उसके बाद देश के अलग अलग जगहों में और ख़ास तौर से यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में छात्रों के हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आंदोलन देख रहे हैं, कुछ जगह पे हिंसा भी हमने देखी। देश के गृहमंत्री के तौर पे, एक ऐसे शख्स के तौर पे जिसकी जिम्मेदारी है कि देश में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, आप इस आंदोलन को और जो हिंसा हुई है और जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं होगा, देश में 224 यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी गिन ले तो 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, उसमें से 22 यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, इसमें से 4 में गंभीर हुए हैं, जैसे जामिया मिल्लिया है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लखनऊ की नवादा है, ऐसी 3-4 यूनिवर्सिटी में थोड़े सीरियस टाइप के प्रोटेस्ट हुए हैं, और बाकी सब ने जो प्रोटेस्ट है इसके समर्थन में अपना कार्यक्रम बना है, जिसमें 100, 200, 300, 40, 20, 11 इस प्रकार के स्टूडेंट उपस्थित है। तो 224 में से 22 यूनिवर्सिटी के अंदर ये कार्यक्रम हुए। तो पहले तो ये कह देना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये ठीक नहीं है, एक सीमित मात्रा में हुए हैं, और ये भी इसलिए हो रहे हैं कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ठीक से बच्चों ने पढ़ा नहीं है। मैंने आज आपके कार्यक्रम से अपील करना चाहता हूं कि इस एक्ट का ढंग से अच्छी तरीके से वो स्टडी करें, और उनको कुछ लगता है कि इनके खिलाफ है या किसी के भी खिलाफ कुछ है तो जरूर सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए। हम एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार है, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इस एक्ट को समझ सबकी आती जाएगी, ये पूरी जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है कूल डाउन होती। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद वहां पर जो हिंसा हुई उस पर काबू पाने के लिए दिल्ली पुलिस कैंपस में घुसी। आरोप यह है कि हॉस्टल में घुसी, लाइब्रेरीज में घुसी जहां पर छात्र छिपे हुए थे। आप गृहमंत्री हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है, आपको क्या जानकारी मिली है, आखिरकार ये वाकया क्या रहा और दिल्ली पुलिस कैंपस में लाइब्रेरी और कॉलेज और हॉस्टल में क्यों घुसी? देखिए, जहां तक स्टूडेंट का सवाल है, कभी भी पुलिस इसके पीछे पड़ने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज, मगर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर से पथराव होता है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या तो जो कोई आगजनी करने वाले लोग हैं स्टूडेंट के साथ मिलकर बाहर आते हैं और किसी का दोपहिया व्हीकल रोक देते हैं, स्कूटर रोक देते हैं, मोपेड रोक देते हैं, मोटरसाइकिल रोक देते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, बस जलाते हैं, किसी की गाड़ी जलाने का प्रयास करते हैं, और उस वक्त भी अगर पुलिस कुछ नहीं करती है तो मैं मानता हूं पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रही है। जब प्रोटेस्ट हिंसा का स्वरूप लेता है तब उसको रोकना पुलिस का फर्ज भी है और धर्म भी है जो उन लोगों ने निभाया है। जहां तक पुलिस ने अंदर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, अभी ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा, आइधर और साइड पर इस पर रिएक्शन आएंगे। मैं मानता हूं कि उचित समय पर पुलिस स्वतः ही इस पर फैसला करेगी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हिंसा भड़की उसके बाद हमने देखा कि सीलमपुर के इलाके में भी तनाव था, वहां पर भी पुलिस और लोगों के बीच में पथराव हुआ, इनफैक्ट स्टोन पेल्टिंग वहां पर हो रही थी। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर काबू पाने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, विपक्ष पूरा एकजुट होकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए अफवाहें फैला रहा है कि इससे माइनॉरिटी को अलग धलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आज तक की चैनल से देश के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस एक्ट से आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्ट से किसी की सिटीजनशिप जाती ही नहीं है, सिर्फ किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है, और जब किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है तो भारत के नागरिक माइनॉरिटी और मुख्यतः मुसलमानों को चिंता करने का कोई कारण ही नहीं। सर, दो सवाल बनते हैं, वो ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में खुद तो आप कह सकते हैं कि इस एक्ट को अगर आप अकेले से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस एक्ट को NRC के साथ देखते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ देखते हैं, तब ये खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है, और मैं बताता हूँ क्यों।
क्योंकि देश भर में आपने कहा कि 2024 से पहले आप एनआरसी की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। इस प्रक्रिया में तमाम लोगों की नागरिकता का प्रूफ मांगेंगे, उसमें कुछ सिटीजन के तौर पे उभर पाएंगे, कुछ के पास दस्तावेज नहीं होंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं हुए वो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, अगर वो सिख हुए, ईसाई हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, हिंदू हुए, फौरन इंडिया उनको सिटीजनशिप दे देगी। लेकिन जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। क्या ये ठीक? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, एनआरसी लेकर कौन आया? आज जो लोग विरोध करें, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्षा को और गुलाम नबी आजाद को पूछना चाहता हूं। 1985 में जब असम समझौता हुआ, पहली बार एनआरसी की बात एक्सेप्ट की गई। उसके बाद में हमारे 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्लॉज 14A जोड़ा गया 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 को यह स्पष्ट हो कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, हमारी नहीं थी। और उसके बाद में रूल 4 जोड़ा गया जो देश भर के एनआरसी बनाने का ताकत देता है, वो भी 9 नवंबर 2009 को जोड़ा गया जब कांग्रेस की सरकार थी। और उनके बनाए कानून पर आज वो हमें सवाल कर रहे हैं। तो क्या कानून आपने शोकेस में रखने के लिए बनाया था भाई? और जरूरी नहीं लगता था तो क्यों बनाया? सर, एनआरसी में ही अलग से आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, पता लगाइए कि भारत में नागरिक कौन है। नहीं, एनआरसी और कैब जब मिल जाते हैं, अभी हम लोग कोलकाता में थे पिछले हफ्ते, वहां पे आप ही की सरकार के वरिष्ठ सहयोगी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ये कॉम्बिनेशन है, एनआरसी और कैब को आप मिलके देखिए। आसाम में बीजेपी के ही नेता क्या कह रहे हैं कि आसाम के राज्य में 19 ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर हिंदू बंगाली जब जुड़ जाएंगे जनसंख्या में, तब तो वो कंस्टिट्यूएंसी का जो पूरा डायनामिक है, डेमोग्राफिक्स है, वो बदल जाएगा और यहां पे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जब आप एनआरसी और कैब को साथ में देखते हैं तब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मंशा क्या है। देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़कर मत देखिए। अगर आपको पूरे मसले को इतने डिटेल में समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना, वहां से लाखों लाखों शरणार्थी यहां आए, यहां से लाखों लाखों शरणार्थी वहां गए। उसके बाद भी ढेर सारे मुसलमान यहाँ रह गए, रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम सेक्युलर कंट्री है, हम पंथ निरपेक्ष देश बनेंगे, तो यहाँ रहे, उनका स्वागत है, उनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन वहां पर भी रह गए, तो उनकी सबको चिंता थी कि इन लॉन्ग टर्म क्या होगा। बड़ी डिमांड हुई। 1950 में नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसमें दोनों देश अपने यहाँ जो माइनॉरिटी है इसकी सुरक्षा करेंगे, वो दोनों देशों ने तय किया। जब दोनों देशों ने तय किया तब देश में आबादी क्या थी? पाकिस्तान के अंदर, अभी का जो पाकिस्तान है, वहाँ लगभग 23% हिंदू थे। अभी का जो बांग्लादेश है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त कहते थे, वहाँ 30% हिंदू थे। ये स्थिति थी। आज वहां पर 3% हिंदू है पाकिस्तान के अंदर। कहां गए भाई? धर्म परिवर्तन करा दिया गया जबरन, या तो वो धर्म बचाने के लिए यहां है। यहां पर 30 थे, आज 7% है, कहां गए? ढेर सारे किस्से हैं, मैंने संसद में बताए, इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ा दिया जाता। कोई भला इस तरह से रह सकता है क्या? कहां जाएंगे वो? वो यहीं आए। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ तब वहां जो माइनॉरिटी थी उनका अधिकार था कि इनको यहां पर शरण दी जाए, इनको सिटीजनशिप दी जाए। कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नरक की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट, हमें राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे दूर हो चुके अपने भाइयों बहन जो देख रहे हैं इस समय स्वतंत्रता समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं, इनकी भी चिंता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमारे हैं
और हमेशा हमारे ही रहेंगे, उनके सुख दुख में समान रूप से हम सहभागी होंगे और जब यहां आना चाहेंगे हम उनको स्वीकार करेंगे। अभी सुनो, समाप्त नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद अपने शपथ ग्रहण के वक्त कहा कि हम उन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वसन करने के लिए व्यग्र है जो काफी कठिनाई और असुविधा झेल रहे हैं, वो कभी भी यहां है उनका स्वागत है। सरदार पटेल छोड़ दू, कांग्रेस नहीं मानेगी उनको। कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव 25 नवंबर 1947 कांग्रेस कार्यकारिणी ने निम्नलिखित संकल्प अंगीकार किया, कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी, अब मेरा शब्द ध्यान से सुनना, गैर मुस्लिम, जो कांग्रेस ने लगे, मैंने नहीं कहा है, हम कहेंगे तो हिंदूवादी हो जाएगा, कांग्रेस कही तो सेक्युलर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए जो सीमा पार करके भारत आए हैं या आने वाले हैं, ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। उसके बाद महात्मा गांधी, पाकिस्तान में रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख यदि वे वहां नहीं रहना चाहते तो वो निसंदेह भारत आ सकते हैं। इस मामले में उनको रोजगार देना, नागरिकता देना और सम्मान पूर्वक सुख कर जीवन देना भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। 7 जुलाई 1947। अब उसके बाद में मनमोहन सिंह, अभी के प्रधानमंत्री जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने 18 दिसंबर 2003 को कहा अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़े, वहां मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है, उसमें सरकार ने सोचना चाहिए। मनमोहन सिंह। उसके बाद में अशोक गहलोत ने एक पत्र लिखा 2009 में, उन्होंने कहा मैं आपका ध्यान पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू और सिख समुदाय के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, चिदंबरम जी को लिखा था, ये विस्थापित निरक्षर है, एससी एसटी पिछड़ा समाज से आते हैं, अत्यंतिक गरीबी में जी रहे हैं, वे भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उनको तत्काल नागरिकता देने की योजना बनानी चाहिए। ये कांग्रेस के सारे लोगों का स्टैंड है, परंतु वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना करने देंगे। मैंने पहले कहा एनआरसी का शुरुआत कांग्रेस ने करा, वो छोड़ भी दो, आज भी मैं कहना चाहता हूं देश की कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और गुलाम नबी, आप एक स्टेटमेंट कर दो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने मुसलमान हैं सब यहां आ जाए, हम उनको नागरिकता देंगे, जरा कल कर दे स्टेटमेंट, जो वो कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको भी नागरिकता, कहां कहां उन्होंने, तो फिर क्या मतलब है एनआरसी, एक मिनट, तो एनआरसी से क्या तकलीफ क्या है, मैं बताता हूं, बताइए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अब से 20 या 30 साल पहले बांग्लादेश से दो परिवार आसाम में आए, एक बांग्लादेशी हिंदू परिवार था, एक बांग्लादेशी मुसलमान परिवार था, दोनों आए रोजगार की तलाश में, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में, मेरी कहानी में अंतर है भैया, रोजगार मैं बताता हूं, पहले आप सुन लो, रोजगार की तलाश में दोनों नहीं आ सकते, एक हिंदू जो है वो प्रताड़ना से भाग कर आता है, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि जो हिंदू फैमिली आई वहां से ढेर सारा हो रहा था, ढेर सारे कुछ का हो रहा होगा, कईयों का हो रहा होगा, लेकिन हर फैमिली का नहीं, ढेर जो जनसंख्या कम हुई है भाई, जो जनसंख्या कम हुई, यहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, कम नहीं हुई भारत में, नहीं वहां प्रताड़ना हो रही है, इसलिए उनकी जनसंख्या 30-7% और 23-3% हुई, ऐसे सरलता से आप जंप मत करिए कंक्लूजन पर, ऐसा नहीं होता है भाई, वास्तविकता यह है कि वहां पर प्रताड़ना हो रही है, मैं आपको ढेर सारे कैंपों में हो रही है, सही कह रहे हैं आप गृहमंत्री जी, इसमें कोई शक थोड़ी, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि हर हिंदू परिवार जो कह रहा है कि उसका उत्पीड़न हो रहा है वो सही है, क्योंकि जब उससे पहले पूछा गया उसने कहा हम तो यहीं पे रहने वाले, 71 से पहले आए, या तो उसने तब झूठ बोला या अब झूठ बोलेगा, ऐसा अब वो कहेगा कि उत्पीड़न हो रहा है। आपका कहना बहुत सरल है क्योंकि आप भारत में जन्मे हो, उस वक्त कोई उसको पूछने भी नहीं गया था, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट किया था हम दलितों को नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान में साफ सफाई कौन करेगा, और उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री चुप रहे थे, उसी दिन सबको लाने की जरूरत थी, इनके भरोसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी।